ब्यूटिफुल पीपुल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेटोरियल मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन वेल स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप लोग डेली एंड मंथली करंट अफेयर फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप इंस्टॉल करिए हमारी जेके ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर और इस ऐप के ऊपर आपको फ्री करंट अफेयर पीडीएफ फाइल जो है मंथली बेसिस को मिल जाएंगी इसके साथ साथ आपको फ्री टेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल जैसी चीजें भी अवेलेबल हो जाएंगी अगर आपने अभी तक ऐप इंस्टॉल

पिक्चर्स जो है व्यूज जो है एपिक व्यू जो है वो कैप्चर्ड करा है किसका सोलर सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड के नो जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स, ठीक है और यूजिंग द मार्स ऑडीसी ऑर्बिटर ठीक है ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कैप्चर्ड करा है इसका जो आंसर है दैट इज नास

चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया बताइए विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड 1.5 बिलियन डॉलर लोन टू सपोर्ट इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव तो कहने का मतलब ये कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करा है क्या लोन अप्रूव कराए कितना 1.5 बिलियन डॉलर का किसके लिए ताकि इंडिया का जो हाइड्रोजन इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट किया जा सके क्लियर तो इसका जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक क्या आंसर है है इसका वर्ल्ड बैंक ठीक वर्ल्ड बैंक ने 1.5 बिलियन डॉलर का लोन जो है वो दिया है आ, इंडिया को सो so दैट की इंडिया जो है मतलब लो कार्बन एनर्जी जो है वो डेवलप कर सके मतलब ये हाइड्रोजन इनिशिएटिव जो है उसको स्टार्ट कर सके क्लियर चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच कंट्री रिसेंटली अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन काउंसिल देखो यूरोपियन यूनियन काउंसिल आप सभी को पता है बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर एक यूरोपियन यूनियन जो है वो काउंसिल बनता अब है अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी कंट्री को बेसिकली कौन सी कंट्री ने अभी एज अ प्रेजिडेंसी जो है वो अज्यूम करी है तो इसका जो आंसर है दैट इज हंगरी तो हंगरी ने बेसिकली मतलब एक सिक्स मंथ के लिए एज अ रोटेटिंग प्रेजिडेंसी जो है वो अज्यूम करी है नेक्स्ट सिक्स मंथस के लिए क्लियर किसकी यूरोपियन काउंसिल की ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच स्टेट विल साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन तो कहने मतलब ये कि कौन सी स्टेट में साउथ एशिया की सबसे लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश कर तो ठीक है तो इसका जो आंसर है दैट इज महाराष्ट्र ठीक है तो महाराष्ट्र में एयर इंडिया जो है मतलब एयर इंडिया जो है वो सेटअप करेगा साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे करने वाला है ये ये महाराष्ट्र का एक रीजन है जिसका नाम है अमरावती ठीक है वहां पे करने वाला अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज जिसका नाम है मैत्री ठीक है ये ऑर्गेनाइज की गई है इंडिया और दूसरी कौन सी कंट्री के बीच में क्वेश्चन में ये पूछा है ठीक है तो मतलब country, इंडिया और दूसरी ऐसी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का जिसका नाम है मैत्री वो, तो तो uh, वो, वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये आपका बेसिकली कब से लेके कब तक रहेगा ये एक से लेकर पंद्रह जुलाई तक रहेगा कहां पर रहेगा दैट इज फोर्ट वॉचि वकी आप एक जगह है बेसिकली टाक प्रोविंस में थाईलैंड में ठीक है ये बेसिकली हम प्रॉपरली प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते भाई इनके नाम और ये बाकी इतना समझ लो कि इंडिया और थाईलैंड जो है दैट इज गोइंग टू बी पार्टिसिपेट इन द ज्वाइंट एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्साइज जिसका नाम है मैत्री क्लियर अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए वेयर वॉज द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्थ ठीक है ये जो थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान है ये कहाँ पे हेल्ड की जाएगी इसका जो आंसर है दैट इज गया बताइए अनाउंस विच कंट्री एज पार्टनर नेशन फॉर द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम ठीक है मतलब कहने का सिरा का स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने बेसिकली uh, एक प्रोग्राम बनाया जिसमें ये क्या करेंगे कि ह्यूमन को ये स्पेस में मतलब भेजेंगे तो अब इस पर्टिकुलर एजेंसी ने किस कंट्री के साथ किस नेशन के साथ मिलके पार्टनर करके ये जो प्रोग्राम जो है वो यू नो स्टार्ट कराया अनाउंस कराया तो इस, उस उस नेशन का नाम क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया तो यूएस एस बेस्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी के आ, मतलब इनके इन्होंने इंडिया के साथ इंडिया नेशन के साथ मिलकर अपने जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कराया क्लियर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर विल बी द आईसीसी दाव आईसी वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स दो हजार छब्बीस का जो, जो है वो कहां पे होगा क्वेश्चन में ये पूछा गया ठीक है थीके? तो इसका जो आंसर है दैट इज इंडिया एंड श्रीलंका में कहां पे इंडिया श्रीलंका में होगा ओके क्लियर चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए बीन अपॉइंटेड एज अ बैटिंग कोच एंड मेंटर बाय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर द्वारा किनको बैटिंग कोच एंड मेंटर जो है वो अपॉइंट किया गया है तो इसका जो आंसर है दैट इज दिनेश दिनेश कार्तिक कार्तिक क्या आंसर है है क्लियर सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिवाइज टाइम दैट इज की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में क्लियर है बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच ठीक है बाय बाय